सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। ২০২৪ के चुनाव से पहले वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, काशीवासियों को दी बड़ी सौगात। एमके स्टालिन राज्यपाल को लेकर एमके स्टालिन का बयान, बोले राज्यपाल को वापस भेजा जाएगा ऑनलाइन युवा निषेध विधेयक। जयराम रमेश का सीबीआई से आग्रह, पूर्ववर्ती संगमा सरकार को भ्रष्ट बताने वाले शाह के बयान को लेकर जांच हो। भाजपा ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले, राजस्थान में सीपी जोशी चीफ, यहां इसी साल चुनाव, बिहार में सम्राट चौधरी को कमान। कांग्रेस पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा अपमान करेंगे तो कार्रवाई होगी, देश में कानून का राज। राहुल की सजा पर केजरीवाल का बयान, बोले गैर भाजपा नेताओं पार्टी को खत्म करने की साजिश, मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर तंज, बोले तानाशाह सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं। कर्नाटक में नया चुनावी मुद्दा, टीपू सुल्तान को किसने मारा, बीजेपी का दावा स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे टीपू। राज्यसभा के सभापति धनखड़ की मंत्रियों के साथ बैठक, विपक्ष के नेता सदन का गतिरोध तोड़ने में विफल। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र, आवारा कुत्ते टिप्पणी के लिए महाविधायक से खेद व्यक्त करने का बयान मांगा। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023 नामक एक विधेयक पारित। केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार, बोले पीएम पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी नहीं करते, उन्हें नींद नहीं आती इसलिए गुस्से में रहते। दिल्ली से हिमाचल तक राहुल गांधी केस की गूंज, सियासत गरमाई, सीएम सुखू बोले पूरी बीजेपी उन्हें फंसाने में जुटी, दोष लगाना राजनीतिक चाल। झारखंड में पुलिस के बूट से कुचलकर नवजात की मौत, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, 5 सस्पेंड अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। इसरो का गगनयान मिशन अगले साल होगा लॉन्च, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा अंतरिक्ष में महिला रोबोट भेजी जाएंगी। गोरखपुर में मां बेटी जिंदा जले, मौत, पति से झगड़े के बाद कोरोसिन डालकर लगाई आग, दो बच्चे ने भाग कर बचाई जान। हरदोई में राजनीतिक वर्चस्व में डबल मर्डर, 8 बार पेचकस घोपा, हथौड़े से सिर पर वार कुचलने के बाद 200 मीटर तक घसीटा। कानपुर में अपार्टमेंट बनाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, 200 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट में फंसे सैकड़ों खरीदार, एक फ्लैट को 4 लोगों को बेचा। मुजफ्फरनगर में चलती ट्रेन में किशोरी से हुई छेड़छाड़, अपहरण का प्रयास, जीआरपी थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 8 झुलसे, 4 आईसीयू में एडमिट। अलीगढ़ में हाजी के ठिकानों पर पड़ी आईटी रेड, 2 दिनों में 22 मशीनों से गिना जा रहा कैश, विदेशों में होता मीट सप्लाई। इटावा में ढोल मुनादी करवाकर गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति कुर्क, 4 अपराधियों की संपत्ति की गई कुर्क, 1 टॉप 10 अपराधी। इटावा में रेप के आरोपी को 20 साल की जेल, 1,05,000 का जुर्माना, 2019 में घर में घुसकर किशोरी से किया था रेप।
कानपुर के करौली आश्रम से लापता शख्स की 2 महीने बाद हुई FIR, बाबा पर लगा 1,80,000 ठगने के आरोप। सुल्तानपुर में पंचायत सेक्रेटरी पर हुई FIR, विकास कार्य का कमीशन ना देने पर भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम की थी पिटाई। मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।